ओमी का नाम छींकते हुए अर्जुन ने कार रुकते ही जल्दी से उसे अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन ओमी के सिर से बहते खून के फव्वारे ने अर्जुन के होश गुम कर दिए थे। वो थर थर आती हुई आवाज में बार बार उसका नाम पुकारता, कभी उसके सिर से बहते खून को देखता तो कभी उसके चेहरे को। तभी उसे ख्याल आया कि सबसे पहले उसे इस बहते खून को रोकना है। उसने आसपास किसी कपड़े को देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि ओमी का बैग भी पीछे डिक्की में रखा हुआ था। उसने बस आव देखा न ताव, फौरन अपनी जैकेट उतारी और उसे खूब टाइट ले ओमी के सर पर बांध दिया। खून जितनी तेजी से बह रहा था वो काफी हद तक रुक चुका था। अब अर्जुन को जल्द से जल्द ओमी को हॉस्पिटल लेकर जाना था। वो तो अच्छा था कि अभी वो लोग दिल्ली से बाहर नहीं निकले थे। अर्जुन ने कार स्टार्ट करनी चाही तो वो कार स्टार्ट नहीं हुई। उसे पता था कि इस वक्त इस हालत में उसे कोई लिफ्ट भी नहीं देगा, इसीलिए उसने बगैर वक्त बर्बाद किए फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया। तभी वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग वैन गुजरी। उन्होंने अर्जुन की कार की हालत देखते ही समझ लिया था कि यह एक्सीडेंट का केस है। अर्जुन पुलिस की गाड़ी में ही ओमी को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गया। कुछ ही देर में पुलिस वैन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, तब तक ओमी को आईसीयू वार्ड में एडमिट कर लिया गया था। ओमी की हालत देखते ही डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्चे के सिर पर गहरी चोट होने की वजह से काफी ब्लड लॉस हो चुका है, हमें सबसे पहले ब्लड का इंतजाम करना होगा। अगर आप ग्रुप मैच नहीं कर पाएंगे, अगर आपके ब्लड का ग्रुप मैच नहीं भी करता है तो भी आप ब्लड दे सकते हैं, हम एक्सचेंज में हॉस्पिटल से ही इनके ग्रुप का ब्लड दे देंगे इन्हें। और हाँ, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप रेयर हुआ तो फिर आपको कहीं और से इंतजाम करना होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कहकर डॉक्टर तेजी से वापस अंदर चले गए। ये बात सुनकर अर्जुन कुछ परेशान सा हो गया। अगर ओमी का ब्लड ग्रुप रेयर हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, सोचते हुए उसे माया का ख्याल आया। मुझे माया को कॉल करना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिल से कहीं आवाज आई, नहीं नहीं, अभी माया ये सब देखकर घबरा जाएगी, जब तक डॉक्टर कुछ नहीं बता देते तब तक माया को कॉल करना ठीक नहीं होगा। अर्जुन ने यह तय कर लिया था, उसे माया को भी अभी इन्फॉर्म नहीं करना था। कुछ देर यूं ही बीत गई। अर्जुन लगातार व्यूइंग ग्लास से आईसीयू में झांक रहा था। बेहोश पड़े ओमी को देखकर अर्जुन का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। तभी एक वार्ड बॉय ने आकर कहा, पेशेंट का ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं बाहर से इंतजाम करना होगा, वो भी जल्दी। डॉक्टर ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, इससे ज्यादा देर हुई तो दिक्कत हो सकती है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, ठीक है मैं देखता हूँ, वैसे ब्लड ग्रुप क्या है? AB नेगेटिव। इतना कहकर वो जा चुका था। अर्जुन अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं थका हारा बैठ गया। एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, लेकिन फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और फिर उसे सभी जानने वालों को मैसेज करने का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही उसने मोबाइल निकालने के लिए अपना पॉकेट हाथ में डाला, लेकिन मोबाइल उसकी पॉकेट में नहीं था। उसे ध्यान आया कि ओमी को उठाकर वैन में डालने से पहले उसने मोबाइल कार की सीट पर ही छोड़ दिया था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, सोचते हुए उसे दीपक का ख्याल आया। उसने जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर पब्लिक फोन से दीपक को कॉल किया और कहा, दीपक अर्जेंटली AB नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना है किसी भी तरह से। दीपक ने उसकी ऐसी घबराई हुई आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और ये तो हॉस्पिटल का नंबर है, आप ठीक तो हैं? ये सब पूछने बताने का वक्त नहीं है दीपक, तुम बस कहीं से भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बंदोबस्त कर दो, मैं ठीक हूँ, बस जिसे जरूरत है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दीपक उसकी बातें सुनकर हैरान था। अगर आप खुद ठीक हैं तो जिसे ब्लड की जरूरत है उसे तो आप खुद ही दे सकते हैं सर, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप भी तो AB नेगेटिव ही है। दीपक के बताते ही जैसे अर्जुन को भी ध्यान आया, उसने अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, शिट, मैं ये कैसे भूल गया, मेरा ब्लड ग्रुप भी तो AB नेगेटिव है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। दीपक अभी उससे आगे कुछ पूछता उससे पहले ही अर्जुन ने कॉल कट कर दी। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। कुछ ही देर में अर्जुन का ब्लड लिया जाने लगा। इन सब भागदौड़ में अर्जुन को एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि उसे भी बहुत सारी चोटें आई हैं, लेकिन वो अभी अपने लिए तो कुछ करना सोच भी नहीं सकता था। अभी उसे बस किसी भी तरह ओमी को ठीक देखना था, वरना माया के सामने वो क्या मुंह दिखाएगा।
उसे ये ख्याल ही परेशान किए जा रहा था कि माया ओमी को इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। ब्लड देकर न जाने कब उसे उसी बेड पर नींद आ गई। माया बार बार अपना फोन देखे जा रही थी। इतनी देर हो गई थी लेकिन अर्जुन ने अब तक गुड़गांव पहुंचने के बारे में कोई कॉल नहीं किया था। जब काफी वक्त गुजर गया तो उससे रहा नहीं गया और उसने अर्जुन को कॉल किया। काफी देर रिंग जाने के बाद भी जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो माया को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने भगवान का नाम लेते हुए जब दोबारा कॉल किया तो उधर से कोई अनजानी सी आवाज आई। माया ने तेज तेज धड़कते हुए दिल को काबू करते हुए पूछा, अर्जुन रॉय से बात करनी थी। उधर से कर्कश सी आवाज में जवाब आया, मैडम ये वसंत कुंज पुलिस स्टेशन है, अर्जुन रॉय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें ये फोन एक्सीडेंट स्पॉट से ही मिला है। माया को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। उसने जल्दी से पूछा, अर्जुन कहाँ है अभी? वो लोग फोर्टिस हॉस्पिटल गए हैं। ओके थैंक्स, कहकर माया आंधी तूफान की तरह अपनी गाड़ी लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके लबों पर बस यही दुआ थी कि ओमी और अर्जुन दोनों ठीक हों। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो रिसेप्शन से पता करते हुए सीधे आईसीयू वार्ड की तरफ आ गई, जहां ओमी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो किसी की परवाह किए बिना सीधे आईसीयू में घुस गई। ओमी का नाम लेकर माया चीखती हुई उसके पास आई, ओमी मेरा बच्चा क्या हो गया तुझे? जब तक डॉक्टर और नर्सेस कुछ समझ पाते तब तक वो ओमी के कंधे को झिंझोड़ती हुई जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब उसकी नजर उसके सिर पर पड़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ओमी के सिर पर लग रहे टांकों से छलकता हुआ गहरा कट देखकर माया अपने होश पर काबू नहीं रख पाई। नर्सेस उसे पकड़कर बाहर करने ही वाली थी कि तभी माया बेहोश होकर गिरने लगी। उन्होंने माया को संभालकर पास ही रखे स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे लेकर वहां से दूसरे वार्ड में चले गए। गहरी नींद में भी अर्जुन को अभी उसी एक्सीडेंट के बारे में ही सपना आ रहा था। सपने में जैसे उसने गाड़ी का जोर से ब्रेक लगाया हो, वैसे ही उसके मुंह से जोर से चीख निकली, ओमी! और उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठने की कोशिश की तो उसे काफी दर्द महसूस हुआ। उसकी दाहिनी बांह उठ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने शर्ट की स्लीव हटाकर देखी तो वहां पर कुछ कट के निशान के साथ काफी स्वेलिंग थी। उसे महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं उसका फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उसे अब भी ओमी की ही फिक्र थी। वो उठकर आईसीयू वार्ड की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक नर्स ने आकर कहा, अभी अभी पेशेंट को देखने के लिए कोई लेडी आई थी, लेकिन पेशेंट की नाजुक हालत देखकर वो खुद ही बेहोश हो गई। अब हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप आकर मिल लीजिए उनसे। अर्जुन समझ गया कि हो ना हो वो माया ही होगी। वो अब आईसीयू की तरफ जाने के बजाय नर्स के पीछे पीछे पड़ गया। अंदर कमरे में जाते ही उसकी नजर बेहोश लेटी हुई माया पर पड़ी। वो जल्दी से आकर उसका सिर सहलाने लगा। तभी उसके साथ आई हुई नर्स ने कहा, हमने मेडिसिंस दे दी हैं, उम्मीद है थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और एकदम बेचैनी भरे अंदाज में पूछा, पेशेंट की हालत कैसी है अब? नर्स ने कुछ ठिठकते हुए एकदम बुझी सी आवाज में जवाब दिया, सिर पर काफी गहरी चोट आई है, इसीलिए जब तक वो होश में नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। अगले 4-5 घंटे तक अगर होश में नहीं आया तो हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे। ये खबर सुनते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में खींच कर बाहर निकाल दिया हो। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नर्स कमरे से जा चुकी थी। अर्जुन लगातार माया का सिर सहलाया जा रहा था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी कुछ बूंदे माया के हाथ पर पड़ी तो धीरे धीरे थरथराते हुए उसने अपनी आंखें खोली। सामने अर्जुन को देखते ही उसने एक झटके से अपनी पूरी आंखें खोल दी और तेजी से उठकर बैठती हुई बोली, मिस्टर रॉय होमी कहाँ है, कैसा है वो? मैंने उसे देखा, उसके सिर में गहरा कट लगा हुआ था। अर्जुन ने उसका चेहरा थाम कर उसे शांत कराते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगा माया, भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन माया ने हिचकियों में रोते हुए कहा, उसे अगर कुछ हो गया ना मिस्टर रॉय तो मैं भी नहीं बचूंगी। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं ही बैठे बैठे दोनों ने 4 घंटे गुजार दिए।
अर्जुन बीच बीच में आईसीयू वार्ड के चक्कर भी लगाता जा रहा था। लगातार डॉक्टर 3 घंटे तक ओमी के ऑपरेशन में लगे रहे। उसके सिर पर सिर्फ चोट ही नहीं थी बल्कि उसकी पूरी बॉडी में कांच के टुकड़े भी छुपे हुए थे। उन छोटे छोटे सैकड़ों की तादाद में मौजूद कांच के टुकड़ों को ही निकालने में काफी देर लग गई थी। सुबह होते होते माया की आंख फिर लग चुकी थी। शायद ड्रिप में मिली हुई नींद वाली मेडिसिन का असर था। अर्जुन जब फिर से आईसीयू वार्ड का चक्कर लगाने गया तो वहां से निकलते हुए डॉक्टर ने कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश करके ओमी का ऑपरेशन तो कर दिया है, मगर जब तक वो होश में नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। 3-4 घंटे काफी क्रूशियल है, अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। अर्जुन परेशान सा होकर वहीं बैठा रहा। उसकी नजरों के सामने बार बार माया और ओमी का चेहरा ही घूम रहा था। इस दौरान उसे रह रहकर अपनी बांह में बहुत तेज दर्द का एहसास भी हो रहा था, मगर न जाने क्यों उसे अभी यहां से हिलने का भी दिल नहीं किया। वो यूं ही बैठा रह गया। अनुश्री को पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई थी। वो अब तक उन गुंडों के फोन का आने का इंतजार कर रही थी जिन्हें उसने अर्जुन का एक्सीडेंट करवाने का काम सौंपा था, लेकिन रात से सुबह होने को थी कि उनका कोई अता पता नहीं था। अनुश्री खुद से ही उन्हें फोन नहीं करने वाली थी क्योंकि पता नहीं कब वो लोग कामयाब हुए भी होंगे या नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने जल्दी से स्क्रीन पर देखा तो पाया कि उन्हीं गुंडों में से किसी का नंबर था। वो अपने कमरे से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ आ गई और कॉल रिसीव करके धीरे से हेलो कहा। उधर किसी ने सख्त आवाज में कहा, एक्सीडेंट तो कर दिया हमने मैडम, लेकिन वो साला मरा नहीं। एन वक्त पर उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली, इसीलिए बस कुछ चोटें आई होंगी उसे। हाँ, मगर उसके साथ एक बच्चा था जिसे बहुत गहरी चोट आई है। अर्जुन को ज्यादा चोट नहीं आई सुनकर अनुश्री का दिमाग घूम सा गया। उसने कुछ डांटने वाले अंदाज में कहा, इतने पैसे दिए हैं तुम लोगों को इस काम के और तुम कह रहे हो कि कुछ चोटें ही आई होंगी उस अर्जुन को। क्या करें मैडम, हमने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर लगता है उसका वक्त अभी आया नहीं, और वैसे भी कुछ दिनों बाद फिर से ट्राई कर लेंगे। कहकर उसने एकदम बदमाशों वाली हंसी हंसते हुए आगे कहा, फिक्र मत कीजिए मैडम, इस बार चूक गए तो क्या हुआ, अगली बार आपका काम हो जाएगा। अनुश्री ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया और सोचने लगी, वो बच्चा कहीं माया और अर्जुन का बेटा तो नहीं? अगर ऐसा भी हो गया हो तो मेरा आधा काम तो यूं ही पूरा हो जाएगा। अब बस किसी तरह से कंपनी के शेयर्स मेरे नाम हो जाएं तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक बिखर गई थी। माया की आंखें जैसे ही खुली वो कमरे में अर्जुन को ना देखकर फौरन आईसीयू वार्ड की तरफ निकल आई। अर्जुन वहीं बाहर लगी चेयर्स पर बैठा हुआ था। माया को उसकी हालत देखकर एक पल को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन उसने तेजी से आकर उसके पास बैठते हुए कहा, कुछ कहा डॉक्टर्स ने, कैसा है अब ओमी? उसे अचानक से अपने सामने देखकर अर्जुन कुछ चौंक सा गया। लगातार रोने से उसकी आंखें काफी सूजी हुई थी। उस पर उसकी बांह में उठने वाला बेतहाशा दर्द भी काफी परेशान करने वाला था। अर्जुन ने डूबी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे। लेकिन माया को उसकी बात जरा भी सच महसूस नहीं हो रही थी। उसने उठकर दरवाजे से ही झांक कर ओमी को देखा। पट्टियों में पूरी तरह से लिपटे हुए ओमी को वो ज्यादा देर तक देख नहीं पाई। वापस अर्जुन के पास आकर उसने धीमे लहजे में कहा, आखिर ये सब कैसे हो गया मिस्टर रॉय? अर्जुन ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर एक्सीडेंट वाला सारा इंसिडेंट कहकर सुनाया, फिर कुछ ठहर कर बोला, मैं 100% श्योर हूं माया, वो कोई अनजाने में टक्कर नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस टैंक लॉरी को इसीलिए भेजा गया है कि वो हमारी कार को हिट कर सके। माया ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं सोफिया नहीं तो? कहती हुई वो कुछ रुक सी गई। अब अर्जुन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, ये काम सोफिया का नहीं हो सकता माया, ओमी को नुकसान पहुंचाकर अभी वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, अभी ओमी उसके लिए किसी जैकपॉट की तरह है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ओमी के चेकअप के लिए अंदर गए डॉक्टर ने वापस आकर कहा, वी आर सो सॉरी मिस्टर रॉय,